हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में बात करेंगे जिसमें आज भी लोअर सर्किट लगा है और सब लोग परेशान हैं कि करें तो क्या करें, हम कैसे रोकें इस लोअर सर्किट को। आइए जानते हैं आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हो आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे, तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में आज भी लोअर सर्किट लगा, 13.90 रुपीज़ पर क्लोज दिया है। और जहां तक एमओ ऑर्डर के सवाल है, सेलिंग के लिए लगे हुए हैं 9,30,000 शेयर्स सेलिंग साइड में। एनएससी बीएससी मिलाकर करीब करीब 80 लाख शेयर्स का वॉल्यूम हुआ है, जो कि वॉल्यूम अभी लगातार जो है अच्छा हो रहा है। डेली जितना शेयर गिर रहा है, वॉल्यूम हमें 80-90 लाख का देखने को मिल रहा है। और जब मार्केट बंद होने को आया था, बीएससी एनएससी मिलाकर करीब करीब 5 करोड़ शेयर्स सेलिंग के लिए लगे हुए थे, तो अभी भी सेलिंग प्रेशर बना हुआ है। और आज भी अराउंड 10 लाख शेयर्स लास्ट डील में उठाए गए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो लोगों के मन में काफ़ी लालच आता है। बार बार लोग यही सोचते हैं कि अभी एवरेज कर लूँ क्या, अभी बाय कर लूँ क्या। बट फ्रेंड्स देखिए, एक हमारे सामने एक जो लेवल है इम्पोर्टेंट, वो है 12 रुपये का। 12 रुपीज़ का एक लेवल है, वहाँ से शेयर घूमना हो तो घूम सकता है। मतलब वो लेवल आ सकती है फ्राइडे को या मंडे को, मैक्स टू मैक्स वहाँ से शेयर अगर घूमता है तो उस दिन आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा जब तक कोई ऐसी बड़ी न्यूज़ आती नहीं है, बहुत ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग बाइंग के बारे में सोचना काफ़ी डेंजरस हो सकता है। बाकी फिर भी इतना जो उठाए जा रहे हैं शेयर्स, तो हो सकता है काफ़ी लोग एवरेजिंग कर रहे होंगे या काफ़ी लोग ये सोचकर बाय कर रहे होंगे कि शेयर कभी ना कभी तो घूमेगा और जब हमें हमारा फ़ायदा मिल जाएगा। हर एक का अपना अपना नज़रिया होता है, बट कभी भी मैं सेफ खेलना प्रेफर करता हूँ राधर दैन रिस्क लेना। अब कर क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन है हमारे सामने? हमारे सामने यही ऑप्शन है कि हम कंपनी को प्रेशराइज करते रहे, मेल भेजते रहे, फ़ोन करते रहे। उसके अलावा हम लोग सेबी को मेल करते रहे, फ़ोन करते रहे। और उसके अलावा जो है फाइनेंस मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, इन लोगों को ट्वीट करते रहे, मेल करते रहे कि ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में जल्द से जल्द कोई डिसीजन ले। मतलब देखिए, अब ऐसे ही चलते रहा, शांति से काम चलते रहा, क्योंकि अभी देखिए नया CEO CFO अपॉइंट करना, कंपनी भले ही कोशिश कर रही होगी पर हो सकता है उसको टाइम लगे। लोगों के एप्लीकेशन आते हैं, इंटरव्यू होते हैं, बात होती है, सैलरी के नेगोशिएशंस होते हैं, ये सब स्लो प्रोसेस होती है। क्योंकि तुरंत एकदम भाई 8-10 दिन में हम सोचेंगे कि तुरंत कोई नया अपॉइंट हो जाएगा। आपको याद होगा पिछली बार CFO अपॉइंट करने के लिए कंपनी ने 6 महीने लगा दिए थे, तो इस बार तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। जब तो कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन थी भी नहीं इतनी कोई मेजर, और अब तो इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि नया CFO अपॉइंट होना ये भी काफ़ी, क्योंकि नया CFO को भी वही प्रॉब्लम है। देखिए ये सब टेंशन वाला पोस्ट हो गया। अभी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का काम क्या रहेगा? सेबी के सवालों के जवाब देना, उनको डॉक्यूमेंट पहुंचाना, सब छाननी करना, नया जो ऑडिटर आएगा उसको सब बताना, तो ये सब चीज़ें काफ़ी अभी टेंशन वाला काम है, हैप्पी काम नहीं है अभी। तो इसलिए ये पोस्ट को भी अपॉइंट होने को टाइम लग सकता है। अभी कंपनी के मीटिंग में बताया गया था कि हम लोग फिर से सुरेश कुमार रेड्डी और नारायण राजू को बुलाएंगे, उनसे सब हैंड ओवर करेंगे, सब प्रोसीजर करेंगे वगैरह वगैरह। अब वो लोग कहाँ है, वो अभी इंडिया में है कि आउट ऑफ इंडिया, किसी को कुछ पता नहीं है। वो आएंगे कब बताएंगे सब, नया कोई CEO CFO अपॉइंट होगा उनको सब बताएंगे, ये सब टाइम लग सकता है। तो हमारा, हम क्या कर सकते हैं, हम लोग लगातार मेल या फ़ोन कर सकते हैं। एक्चुअली देखा जाए तो कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में एक ही बड़ी बात है जो कि वो खुद कर सकते हैं। पॉजिटिव दो ही बात है कि वो जो अभी कर सकते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट के हाथ में अभी भी दो बात है कि जो उनके हाथ में है, जो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। नंबर वन कि वो जो प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉट हुए थे उनको सबको नोटिस भेजे कि आप पैसा भरो या आपके शेयर्स कैंसिल होंगे। ये काम वो लोग कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये उनके हाथ में है। दूसरा, जो सब्सिडरीज जो है उनकी ओवरसीज की जितने भी, उनके सबके एग्रीमेंट्स, फाइनेंशियल सब चीज़ें वो लोग अगर एफिडेविट करते हैं कोर्ट में जाकर या कहीं पे, जिससे यकीन हो जाए लोगों को
कि ये जो रेवेन्यू एंड प्रॉफिट है उनका जो आ रहा है एकदम जेन्यून है, क्योंकि देखिए ऑडिटर पे ही एक्शन लिया गया है, तो ऑडिटर ने जो ऑडिट रिपोर्ट दिया है वो कितना सही गलत है उस पर भी काफ़ी सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अगर कंपनी ऐसा कोई मेजर स्टेप लेती है तो ये दो ही चीज़ें हैं जो अभी इमीडिएटली कंपनी के मैनेजमेंट कर सकती है, और इसके लिए आप लोगों को लगातार कंपनी में फ़ोन करना है या उनको मेल करना है कि आप अपने सब्सिडरीज के जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे टेक ओवर करने के वगैरह, या जो उनके जो अंडरटेकिंग दे सकते हैं कोर्ट में, इसके लिए प्रेशर कर सकते हैं आप। दूसरा, जो प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ था जिसका पैसा नहीं आया है कंपनी की ओर से, उनको अगर नोटिस जाता है, अब सेबी सब करेगी वसूली, तो इसका मतलब गलत दिखता है कि कंपनी का बोर्ड ये नहीं चाहता है कि प्रोमोटर्स को कोई एक्शन हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसमें प्रोमोटर ग्रुप के ही है जिन्होंने पेमेंट भरा नहीं है। तो बट अभी जो मैनेजमेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की, वो अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेके बताती है तो ये काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। हालांकि हो सकता है, क्योंकि ये जो डायरेक्टर्स लोग जो है ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, हो सकता है उनके ऊपर जो प्रोमोटर ग्रुप का उनका दबाव हो, या वो नहीं चाहते होंगे प्रोमोटर ग्रुप पे कोई उनका नुकसान हो या एक्शन हो, तो इससे मार्केट में गलत मैसेज जा रहा है कि अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है प्रेफरेंशियल शेयर्स का जो पैसा है वो रिकॉल भी नहीं कर रही है, ना ही उनके शेयर्स कैंसिल कर रही है। तो अब ये तो दो ही बात हो सकती है, एक तो सेबी करे, बट सेबी कैसा होता है, सेबी ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उनको टाइम देना पड़ता है, उनको 15 दिन के नोटिस, 21 दिन के नोटिस, 45 डेज के नोटिस, ये सब देना पड़ता है उनको। बट मैनेजमेंट ये ज़रूर कर सकती है एग्जिस्टिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अभी देखना ये है कि पहले कौन एक्शन लेता है। आप सेबी को भी मेल कर सकते हो, कॉल कर सकते हो कि जल्द से जल्द उनसे एक तो पैसा मंगाओ या उनके जो शेयर्स है वो कैंसिल करो। तो कुछ ना कुछ ऐसे एक्शन पॉजिटिव जब तक न्यूज़ नहीं आती है, एक स्ट्रॉन्ग अपर सर्किट लगना मुमकिन नहीं है। और इसीलिए ये भी हो सकता है कि जो अभी लोग बाय कर रहे हैं, हो सकता है वो अपर सर्किट लगवा दे, या हो सकता है कि कुछ अपर सर्किट लगने के बाद फिर से सेलिंग भी आ जाए, कुछ कह नहीं सकते, काफ़ी कन्फ्यूजिंग है अभी कुछ भी कहना। काफ़ी लोग पूछते हैं कब भागेगा, कब रिवर्स लेगा, तो ये न्यूज़ पर डिपेंड है। अभी इसमें कोई ऐसा कोई टेक्निकल बात बहुत पर्टिकुलर नहीं है। हालांकि 12 रुपीज़ का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और टेक्निकली 12 रुपीज़ एक सपोर्ट लेवल भी है। तो देखना ये है कि 12 रुपीज़ से घूमता है क्या, या बीच में सैटरडे संडे आएंगे, सैटरडे संडे में कोई न्यूज़ आती है क्या कंपनी की ओर से या सेबी की ओर से, ऐसा कुछ हो गया तो हो सकता है मंडे से शेयर घूम जाए। बट उसके लिए आपको और हमको लगातार प्रेशर करना है कंपनी के मैनेजमेंट को और सेबी को कि कुछ ना कुछ इस पर ठोस कदम उठाया जाए, जिसके कारण कुछ एक भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो शेयर घूम सकता है। और वही कोशिश हम लोगों को करना है। और जहाँ तक सवाल है कि एवरेजिंग करना है, फ्रेश बाइंग करना, तो मुझे तो लगता है कि अवॉइड करना चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहिए, एक ही शेयर में बहुत ज़्यादा फंड ब्लॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि आगे अभी क्या क्या होगा काफ़ी बातें अभी अनआंसर्ड है जिसका जवाब अभी आना बाकी है। तो हिसाब से आप में केयरफुल रहना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी डिसीजन आपको लेना है अगर आपको लग रहा होगा, और आप में से काफ़ी लोग कोशिश कर रहे होंगे कि सेल हो जाए, किसी लोगों का सेल हो भी गया होगा, कोई लोग अभी भी कोशिश कर रहे होंगे। बट अब सवाल यह है कि ये शेयर कितना जाएगा, ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। काफ़ी लोगों को ऐसे लग रहा है कि प्रोमोटर्स माल उठा रहे हैं, प्रोमोटर्स ही गिरा रहे हैं। मैं कितनी बार हर वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसा करना रहता था, तो शेयर जब 9 रुपये गया था, जब तो प्रोमोटर्स पे कोई रिस्ट्रिक्शन भी था नहीं, ना ही उनको सेबी ने बैन किया था बाइंग सेलिंग से। जब उन्होंने बाय नहीं किए, जब 9 रुपये गया था, तो अभी क्या बाय करेंगे वो लोग, इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। क्या होता है कहीं भी ग्रुप में इसमें उसमें आता है प्रोमोटर्स ही गिरा रहे शेयर को, जो कि कम रेट में बाय कर सके। अरे करना रहता तो 9 रुपये में बाय करते, 10 रुपये में बाय करते जो पिछली बार गिरा था, जब तो उनको तो ट्रेडिंग रिस्ट्रिक्शन था भी नहीं, डायरेक्ट बाय कर सकते थे। जब बाय नहीं किया तो अभी क्या बाय करेंगे, इस बात पर ध्यान मत दीजिए। क्या होता है ये ऐसे लालच में आकर लोग कोई गलत डिसीजन ले लेते हैं ऐसी बातें सुनकर, इस बातों पर आपको ध्यान नहीं देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो आपके हाथ में है, आप जितना कंपनी को और सेबी को मेल या मैसेज या फ़ोन करते रहेंगे, जब तक प्रेशर क्रिएट होगा और जल्द से जल्द कुछ आउटकम आने की उम्मीद है, कोई पॉजिटिव आउटकम या स्टेप सेबी या कंपनी की ओर से आएगी, तभी कुछ तो भी उसमें हमें क्लैरिटी देखने को मिलेगी। और अभी तक ईडी की ओर से भी कुछ आया नहीं है कि उन्होंने सर्च ऑपरेशन किया, उसके बाद में अगली एक्शन क्या है, ईडी की ओर से भी कुछ आ जाए तो वो भी बातें और क्लियर होना बाकी है। ऐसे काफ़ी चीज़ों के जवाब बाकी है, इसीलिए हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द कहीं से कुछ खबर आए जो कि पॉजिटिव हो और शेयर फिर से घूम जाए।
तो आपको कोशिश यही करते रहना है कि लगातार प्रेशर बनाए रखना है मेल से, फ़ोन से, सेबी को, कंपनी को, जो कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव एक्शन देखने को मिले और शेयर घूम जाए। थैंक यू फ्रेंड्स।